नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करके इसे लाखों व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। एक्सीडेंट के डिटेल्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। टेस्ट ड्राइव कार्स लोगों को कार का एक्सपीरियंस करने के लिए दी जाती है, जहां खरीदने से पहले लोग गाड़ी का एक्सपीरियंस करके अपना सही डिसीजन ले सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली हमने कई सारी टेस्ट ड्राइव कार्स के एक्सीडेंट्स देखे हैं, जिसमें थार, हैरियर और भी कई सारी कार शामिल हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां एक्सीडेंट देखने को मिले हैं, वहां कार को रेकलेसली चलाया गया था। और महिंद्रा थार के केस में इवन साथ में बैठे सर्विस एग्जीक्यूटिव को भी चोटें आई थी। आज एक और टेस्ट ड्राइव कार का एक मेजर एक्सीडेंट सामने आया, जहाँ टाटा ऑल्ट्रोस की एक ट्रक से टक्कर हो गई। ये एक्सीडेंट मिस्टर राजेश ने मेरे इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया था। आप भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल के थ्रू एक्सीडेंट के डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। इस एक्सीडेंट में ये टाटा ऑल्ट्रोस मैसूर कर्नाटका की एक डीलरशिप की थी और एक्सीडेंट कर्नाटका में ही मादिगेरी के पास रिपोर्ट हुआ है। ये एक्सीडेंट शायद सडनली ट्रक के इमरजेंसी ब्रेक्स अप्लाई करने की वजह से हुआ होगा, जहाँ ट्रक ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द रोड पर देखा जा सकता है और को ड्राइवर साइड से ऑल्ट्रोस ट्रक में घुस गई। फ्रंटल इंपैक्ट नहीं होने की वजह से यहाँ एयरबैग्स डिप्लॉय नहीं हुए, पर पैसेंजर यहाँ सेफ है। यहाँ टाटा ऑल्ट्रोस के ड्राइवर जो टेस्ट ड्राइव ले रहे थे, उनकी भी गलती रही थी, जहाँ वो एक स्पीड लिमिट से ऊपर चल रहे थे। ऐसे सिंगल लेन रोड्स पर 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एक सही स्पीड है, और अगर वो इस स्पीड पर चल रहे होते तो ये कोलिजन अवॉइड किया जा सकता था। पर ऑल्ट्रोस की सेफ्टी ने एक हैवी इम्पैक्ट को भी बेहतर तरीके से लिया और पैसेंजर्स को सेफ रखा। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो नॉर्मल टेंडेंसी सब लोगों की होती है कि टेस्ट ड्राइव कार को भगाया जाए, इस चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है। और टेस्ट ड्राइव कार को रॉकेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप खुद की कार चलाते हैं, जिस स्टाइल में चलाते हैं, बस उतनी ही टेस्टिंग काफ़ी है, स्पेशली जिसमें गाड़ी के सस्पेंशन वगैरह टेस्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो हमेशा कार एक स्पीड लिमिट में ही चलाएं। वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि लोग समझ सके हाई स्पीड कितनी डेंजरस हो सकती है। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।